भारत और विकासशील देशों का ये मानना है कि हमारे यहाँ जो डेटा का जनरेशन हो रहा है उसको हम लिमिटेड फ्लो करें, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड के लिए आज डेटा की फ्लो करना, फ्री फ्लो बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो आप व्यापार कर ही नहीं सकते, फिर जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत की ओर से जो बार बार ये कहा जा रहा है कि लिमिटेड फ्लो, जितना जरूरत है उतना डेटा, इसको कहते हैं लिमिटेड फ्लो की मिरर, नहीं कुछ कुछ को जो है मिरर करना पड़ेगा। लिमिटेड फ्लो से यहाँ पर दो मतलब हैं। सबसे पहले ये है कि जितनी आपको सिर्फ आवश्यकता है, जैसे अगर भारत के डेमोग्राफिक डेटा की हम बात करें तो क्या उस सारे डेटा को विदेश ले जाने की आवश्यकता है? क्या हमें पेमेंट के सारे डेटा को बाहर ले जाने की जरूरत है? अगर हमारा लिमिटेड प्रोसेसिंग से, अगर मास्टर कार्ड की हम बात करें तो जितना डेटा की उनको आवश्यकता है उतना वो अवश्य ले जाएं, और ऑब्वियसली अगर वो पूरा भी ले जाना चाहते हैं तो कम से कम एक मिरर इमेज यहाँ पर हर समय बनाए रखें, ताकि यहाँ के लोग भी, और उसे इस्तेमाल करने दें, यहाँ के लोगों को इस्तेमाल करने दें। यहाँ का डेटा अगर बाहर की कंपनियां इकट्ठा करती हैं तो उसकी जो कॉपी यहाँ पर अवेलेबल हो, कैसे वो कुछ कुछ आंकड़े, सारे आंकड़े कंपनी के पास है, उसमें आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कुछ आंकड़े तो रहेंगे यहाँ, कुछ आंकड़े बाहर जाएंगे, संभव है इसको सुनिश्चित? ये बिल्कुल संभव है, इसको सुनिश्चित करना बिल्कुल संभव है। देखिए, जब भी आप किसी डेटा की बात करते हैं या किसी एक ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन की बात करें, तो उसमें कुछ निजी डेटा होता है और कुछ ट्रांजेक्शनल डेटा होता है कि उसने कितने रुपए की खरीद की, कितने रुपए का व्यापार किया, कौन सा कार्ड यूज किया। तो लोगों का यह मानना है कि जो गोपनीय निजता वाला डेटा है उसको भारत में रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, उस व्यक्ति का सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है, ट्रांजेक्शन पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 50 या 500 या 5000 रुपए का ट्रांजेक्शन है तो वो किसी मेल ने किया है या फीमेल ने किया है, इससे ट्रांजेक्शन की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोटो लगी होती है हर जगह, तो फोटो तो उपलब्ध नहीं, वही तो हम बता रहे हैं, वही तो लोगों की यहाँ पर भारत में मांग है कि जितना आवश्यक है सिर्फ ट्रांजेक्शन डेटा बाहर ले जाइए, प्रोसेस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है उसमें तो चेहरे की पहचान के बिना तो काम की नहीं। पेमेंट सिस्टम में फेशियल रिकॉग्निशन का फिलहाल कोई इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं हो, नहीं एक वो भी आया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। यही लोगों का यही मानना है कि अगर मेरे फेशियल रिकॉग्निशन यानी जो मेरे फेस के फीचर्स हैं वो किसी विदेशी कंपनी के पास है, और ऐसा एक कभी सॉफ्टवेयर किसी विदेशी कंपनी ने बनाया है जो आपकी एज प्रेडिक्ट करता है, तो लोगों का ये मानना है कि वो आपके जो फेशियल फीचर्स हैं उसके दुरुपयोग कर सकता है। और ये मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि व्यापार जरूरी है, बात तो सही है, निजता भी जरूरी है, अब उसके बीच संतुलन चाहिए, आंकड़ों की सुरक्षा चाहिए, वो कितना संभव है? ये बिल्कुल संभव है, इसके ऊपर विचार विमर्श और कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इसको ये कहना कि ये नहीं संभव है, मुझे लगता है ये मुश्किल है। प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल यही आशय है कि जितना भी आवश्यक है ग्लोबली उसको जरूर भेजा जाए, और जितना आवश्यक नहीं है उसके बारे में भारत में रखने पर भी विचार करें। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू गोल्ड, विच मीन्स इट हैज ए वैल्यू। अब वो डेटा है किसका? मेरा, आपका, भारतीय लोगों का। उसका फायदा कौन उठा रहा है? विदेश की कंपनियां। तो वो जो गोल्ड है, वो जो ऑयल है, वो तो ठीक है, तय हो गया कि वो गोल्ड है, उसमें वैल्यू है, लेकिन भारत को क्या मिल रहा है उससे? पहली चीज तो हमारी वैल्यू डायरेक्टली बाहर जा रही है। दूसरी चीज, पीछे भारत के कुछ कार्यक्रमों को के समर्थन में ही या नहीं, मैं लोकलाइजेशन के समर्थन में हूँ, सिर्फ उतना डेटा बाहर भेजना चाहता हूँ जितना कि ट्रांजेक्शन और व्यापार के लिए जरूरी है। अब है देखिए, मैं तो कोई सूचना प्रौद्योगिकी का विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि किस हद तक ये संभव है कि आप अगर सारे आपको उदाहरण के तौर सारे आंकड़े ले लेते हैं तो उसमें कुछ को तो आप बचा के रख लेंगे, कुछ को ही आप जाने देंगे, किस हद तक ये मुमकिन है मुझे नहीं मालूम। मैं आपको सिर्फ दो उदाहरण दे रहा हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोल्ड या ऑयल के संबंध में कहा। अगर आज भारत सरकार जनता की सुविधा के लिए कोई डेटा से संबंधित कार्यक्रम चलाना चाहती है और वो फेसबुक का डेटा इस्तेमाल करना चाहती है, भारतीयों का, बाहर के लोगों का नहीं, तो उनको फेसबुक से खरीदना पड़ेगा, ऐसा प्रोविजन है। वो वही डेटा, भारत के लोगों का डेटा, अगर एक विदेशी कंपनी के पास है तो वो भारत सरकार जो भारतीयों के लिए कोई कार्यक्रम चलाना चाहती है, वेलफेयर प्रोग्राम तो नहीं मिलता है, इसलिए ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है या आवश्यक है कि उसकी उपलब्धता भारतीयों को जहां जरूरत है मिले। मल्टीनेशनल
डेटा होल्डिंग कंपनीज हैं, गूगल हैं, फेसबुक हैं, व्हाट्सएप हैं, लिंक्डइन हैं, उनको आपत्ति है। क्यों? क्योंकि वो उसको मोनेटाइज कर रहे हैं, हमारे डेटा उससे पैसे बना रहे हैं, उससे पैसे बना रहे हैं, उसी को वो गोल्ड और ऑयल की तरह उसकी माइनिंग कर रहे हैं। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो तो उनका बिजनेस है, हम भी करें। लेकिन जब हमारी सरकारों को, हमारी संस्थाओं को उस डेटा की आवश्यकता भारत में कोई सोशल प्रोग्राम चलाने के लिए पड़ती है तो उन्हें नहीं मिलता है। प्लस चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि एक्सेस कहीं से किया सकता है, कहीं भी वापस किया जा सकता है, और है में फर्क है। अभी एक्सेस है नहीं, अभी एक्सेस करने के लिए पैसे लगते हैं जो कि बिलियन डॉलर्स में होते हैं। अगर हमें अपनी ही चीज, देखिए यही तो कॉलोनलिज्म है, और कॉलोनलिज्म क्या चीज थी कि हमारे यहाँ जो कपड़ा बिकता बनता था वो विदेश में ठप्पा लग के फिर हम ही लोग खरीदते थे दुगने चौगने दामों में, तो क्या हम नियो कॉलोनलिज्म की तरफ जाएंगे दोबारा से? हाँ। आज डेटा में हमने गोल्ड और देखा है, ऑयल देखा है, तो क्या उसके भी पैसे हमें देने पड़ेंगे? यही तो समस्या है।